जय जोहार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नरवा कार्यक्रम को सुराजी गांव योजना के तहत चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नदी नालों को पुनर्जीवन देने का काम यानी उन्हें सही और आधारभूत बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सके और सभी किसान दोहरी फसल उगा सके। आपको बता दें कि नरवा कार्यक्रम के माध्यम से कृषि संबंधित गतिविधि को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में बल दिया जा रहा है। वहीं जल स्रोत का संरक्षण करके सतही जल के दुरुपयोग को भी रोका जा रहा है। अब प्रावधान की बात करें तो इस कार्यक्रम के तहत छोटी छोटी अधोसंरचना का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के तहत कराया जा रहा है। वहीं वन क्षेत्र में आने वाले संरचनाओं का निर्माण वन विभाग के कैंपा योजना के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वहीं गैर वन क्षेत्र में आने वाली संरचनाओं के निर्माण की लागत 20 लाख रुपए से अधिक हो तो उसका निर्माण सिंचाई ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में 2 से अधिक जलाशयों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जा रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्रों में नदी नालों का विकास किया जा रहा है, ताकि इनके पुनर्निर्माण से जल भंडारण के माध्यम से किसानों तक उचित मात्रा में जल पहुंच सके। दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।